हेलो डियर स्टूडेंट, आपको स्वागत है फिर से BSCB पटना क्लास में। तो आज आपको फिर से मैं लेटेस्ट न्यूज लेकर आया हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा। जी हाँ, इस तरह के न्यूज देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा लें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। चलिए हम इस पर देखते हैं कि इसमें क्या आया है निकल के, तो हम इसको पूरी पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है कि 15 अक्टूबर को आयोग शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट, ठीक है ना। तो 15 जो आज का पेपर आया था, देखिए 13 अक्टूबर 2023 का पेपर आया था, तो इसको हम फुल्ली तरह से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आप लोग यहाँ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1,70,000 एक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीते दिनों ली गई परीक्षा के रिजल्ट 15 अक्टूबर को संभावित है। सभी श्रेणियों का रिजल्ट एक साथ आयोग BPSC के साथ वरीय अधिकारी ने कहा है कि इसकी तैयारी अंतिम चरण में है, 15-16 अक्टूबर को निकाल दिया जाएगा। इधर BPSC अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सब भी गुरुवार को देर शाम ट्वीट रिजल्ट के जल्द निकालने के बाद कही और इसमें लिखा, इसमें लग रहे समय की वजह 1634 मेरिट लिस्ट एक साथ बनाया जाना बताया। अलग अलग आरक्षण श्रेणी और विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों ने 43 अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है, साथ ही 38 जिलों के लिए भी इनमें अलग अलग बनाई जा रही है। इन सबसे मेरिट लिस्ट के कुल संख्या बढ़कर बहुत अधिक हो गई है, जिसके अंतिम रूप देने के समय लग रहा है। माह के अंत तक आयोग 70,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञापन जारी करेंगे। देखिए, शिक्षा नियुक्ति के दूसरे चरण में 6वीं और 8वीं माध्यमिक, 9वीं 10वीं और उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं का भी आपको अंत तक मिलेगा नोटिफिकेशन। चलिए यहाँ देखते हैं, से 12वीं तक 70,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति के विज्ञापन अक्टूबर के माह के अंत में आएगा। बीते बुधवार के शिक्षा विभाग ने अधिकारियों के साथ BPSC अधिकारियों की बैठक में इस पर सहमत बनी। इस चरण में मध्य विद्यालय में 31,982, माध्यमिक में 18,800 और उच्च माध्यमिक 18,830 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए आयोग जल्द ही अपना निर्णय लेगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 और 16 यानी संडे या मंडे को आपको मिल जाएगा। यह प्रभात खबर न्यूज में आया, तो आप लोग देख सकते हैं यह न्यूज निकल गया था। आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को इतना शेयर करें कि आप सभी स्टूडेंट को यह लेटेस्ट न्यूज पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ।